नैब और दीगर इदारे हुकूमती दबाव में आकर काम कर रहे हैं, सियासी हमलों का सियासी जवाब दे रहे हैं, कानूनी हमले का जवाब अदालत में दे रहे हैं। JIT रिपोर्ट जाली और झूठ है, ग्रैंड अलायंस की तरफ नहीं जा रहे, इश्यूज की सियासत कर रहे हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी की मीडिया से गुफ्तगु, चेयरमैन पीपल्स पार्टी के लाहौर में डेरे, चौधरी मंजूर, अजीजुर रहमान सन और हसन मुर्तजा समेत दीगर रहनुमाओं ने मुलाकातें की। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर पुलिस इन एक्शन, तैफी भट्ट के गिर्द कानून का शिकंजा सख्त, अंदरून लाहौर में तैफी भट्ट की प्रॉपर्टी सील, तैफी भट्ट पर प्रॉपर्टी पर कब्जों का इल्जाम था, मुतासर खानदान ने सुप्रीम कोर्ट से रजू किया था, पुलिस की कार्रवाई की फुटेज लाहौर न्यूज को मौसूद। लाहौर का व्हाइट हाउस खतरे में, सामान उठवा लें, खाली करवाएं, चीफ जस्टिस ने खोखर पैलेस से कब्जे खत्म करवा कर 10 रोज में रिपोर्ट पेश करने का हुक्म दे दिया। 40 कनाल सरकारी अराजी पर खोखर बरादरान का कब्जा, एक खसरे के 10 अफराद में से सिर्फ एक को अदायगी करके खोखर बरादरान ने बाकियों को भगा दिया। एंटी करप्शन ने रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा करवा दी। खोखर बरादरान ने आपके रिटायरमेंट की तारीख तक जमानतें करवा रखी हैं, इन्हें आपके बाद कोई नहीं पूछेगा, DG एंटी करप्शन। ये जो आंखें झुकाए खड़े हैं, मुझे पता है उन्होंने बाद में मेरे साथ क्या करना है, ऐसे लोगों ने पाकिस्तान को तबाह कर दिया, बदमाशी नहीं चलने दूंगा। खोखर बरादरान के खिलाफ इलाके में मक्खी भी पर नहीं मार सकती। वजीर आजम हाउस में यूनिवर्सिटी की तरह खोखर पैलेस में भी कोई तालीमी अदारा कायम करवा देते हैं। चीफ जस्टिस के कब्जा केस में रिमार्क्स, एंटी करप्शन को मुकदमा दर्ज करने और कानून के मुताबिक कार्रवाई का हुक्म जारी। सुप्रीम कोर्ट ने इजाफी रकम लेने वाली IPPs और विफाकी हुकूमत से 9 जनवरी तक रिपोर्ट तलब कर ली। IPPs और विफाकी हुकूमत को नोटिस जारी, बज़ाहिर ये 1.59 बिलियन डॉलर का मामला लगता है। 10 रोज में इजाफी अदायगियों से मुतालिक तफसीली रिपोर्ट पेश की जाए सुप्रीम कोर्ट। जिगर के पेवंदकारी के ऑपरेशन का क्या बना, चीफ जस्टिस वजीर सेहत पर बरहम, बीबी आप कुछ नहीं कर रही, हर समात पर बहाने बना रही हैं। पंजाब में नाहली और निकम्मापन अपनी इंतहा को पहुंच चुका है, हुकूमत से मुआमलात नहीं चलाए जा रहे, हम इस केस में पंजाब हुकूमत की नाहली को तहरीरी हुकुम का हिस्सा बना रहे हैं, चीफ जस्टिस मियां साकिब निसार। अदालत ने PKLI अज खुद नोटिस केस की समात फरवरी के आखिरी हफ्ते तक मुलतवी कर दी। हेपेटाइटिस और मस्नूई जिल्द बारे तहकीक और अद्वियात की तैयारी का मामला, सुप्रीम कोर्ट ने विफाकी वजीर सेहत समेत 11 रुकनी खसूसी कमेटी को इस्लामाबाद तलब कर लिया। सेक्रेटरी सेहत, सेक्रेटरी खजाना, सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को भी पेश होने का हुक्म। वजीर सेहत समेत खसूसी कमेटी कल लॉ एंड जस्टिस कमीशन आ जाए, यूं समझें कल आप और हम सब कैद हैं, इस मसले को हल करा कर उठेंगे चीफ जस्टिस। अपोजिशन लीडर कौमी असेंबली शहबाज शरीफ की तबीयत बदस्तूर नासा, टिम्स अस्पताल के फिजियोथेरेपिस्ट ने 2 घंटे तक शहबाज शरीफ का तबी मुआयना किया, डॉक्टर्स का कमर दर्द के बायस शहबाज शरीफ को मुकम्मल आराम का मशवरा, वर्जिश और बरवक्त अदवायात खाने की भी हदायत। ठंडी ठंडी हवाएं, शहर में सर्दी की शदीद लहर बरकरार, ठंड से तवानाई जराए भी ठंडे पड़ गए, कहीं सुई गैस बिल्कुल बंद तो कहीं प्रेशर कम, बिजली का आना जाना भी लगा है। लेस्को के 27 फीडर्स के इलाकों में लोड शेडिंग का दौरानिया 7 घंटों से भी बढ़ गया। LPG, लकड़ी और कोयले समेत तवानाई के मुतबादल जराए भी महंगे, लकड़ी 500 की बजाय 700 से 800 रुपए फी मन फरोख, कोयले की कीमत 40 रुपए से 70 रुपए फी किलो पहुंच गई, महंगाई के सताए आवाम की परेशानी मजीद बढ़ गई। आलू सस्ता है ना गोभी, टमाटर, लहसुन, अदरक, हंडिया के बुनियादी जरूरियात की कीमतें भी आवाम के पहुंच से दूर, सिंहपुरा सब्जी मंडी में रेट लिस्टे तो मौजूद लेकिन कीमतें दुगनी वसूल, कोई पूछने वाला नहीं, आवाम परेशान।
लंडा बाजारों पर भी महंगाई के साए, रश तो बहुत है, खरीदने वाले कम हैं। जर्सी, कोट, जैकेट, स्वेटर, जूते, हर चीज की कीमत आपे से बाहर। सफेद पोश तबके को शदीद सर्दी में गर्म मलबूसात खरीदने के भी लाले पड़ गए। लाहौर न्यूज ने दिलाया एहसास, अब आरामदेह कमरों में बैठकर नहीं होंगे काम। लाहौर न्यूज के निशानदही सफाई के निगरान कंपनी के अफसरान ने भी शहर को साफ सुथरा करने की ठान ली। छुट्टी के रोज भी काम, यूसी 110 में सफाई और आगाही मुहिम साथ साथ। दुकानदारों और मकीनों में वेस्ट बैग्स और आगाही पफलेट तकसीम। लाहौर न्यूज के निशानदही पर काम आसान हुआ, MDLWMC और दीगर अफसरान का इजहार तशक्कुर। शहर को चमकाने के लिए शहरी भी साथ दें, सफाई की निगरान कंपनियों के जिम्मेदारों से अपील। शहरियों के तआवुन के बगैर महकमा कुछ नहीं कर सकता। MDLWMC फारूक कय्यूम भट्ट, शहर को अपना घर समझें और जगह जगह कूड़ा करकट मत फेंकें। आज आसम शरीफ भट्ट। आज की खिदमत में लाहौर न्यूज एक कदम और आगे। अगर गंदगी और तआवुन से आपका इलाका कचरा कुंडी बन चुका, कूड़े और गंदगी की फौरी फुटेज या तस्वीर बनाएं और भेज दें लाहौर न्यूज के इस नंबर पर 03444450192। हम आपकी आवाज पहुंचाएंगे अरबाब इख्तियार तक। साबिक हुकुमरानों ने पसमानदा इलाकों के मसाइल हल नहीं किए, माजी में वसाइल का रुख सिर्फ चंद इलाकों तक महदूद रखा गया। हर पसमानदा तहसील को तरक्की याफ्ता इलाकों के बराबर लाएंगे, वजीर आला पंजाब उस्मान बुजदा। वजीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद का सर गंगाराम अस्पताल के इमरजेंसी ब्लॉक का अचानक दौरा। वजीर सेहत ने लेबर रूम और ऑपरेशन थिएटर का मुआयना किया, मरीजों से तकालीफ दरियाफ्त की और शिकायत के अजाले के लिए फौरी अहकाम जारी किए। सेनेटर सिराजुल हक की ज़ेर सदारत जमात इस्लामी की मरकजी मजलिस शूरा के 3 रोज़ा इजलास का आखिरी रोज, नए अमीर जमात इस्लामी के लिए नामों पर मुशावरत। सेनेटर सिराजुल हक, लियाकत बलोच के अलावा दीगर नामों का जायजा लिया गया। इजलास में मुल्कगीर एहतजाजी हिकमत अमली पर भी गौर। शादी हॉल्स के मालिकान होशियार, टैक्स चोरी करना अब मुश्किल। पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी का शादी हॉल्स की मॉनिटरिंग के लिए ड्रोन चलाने का फैसला। ड्रोन के जरिए शादी हॉल्स में शिरकत करने वाले अफराद की मॉनिटरिंग होगी। वजीर आला का नाम और रिश्तेदार जाहिर करके सरकारी इदारों के अफसरान पर रोक जमाने वाले अब बाज आ जाएं, मुबैना रिश्तेदारों के लिए सख्त अहकाम। महकमा SNGAD ने सर्कुलर जारी कर दिया। बाज लोग खुद को वजीर आला का भाई या रिश्तेदार जाहिर करके काम निकलवाने की कोशिश करते हैं, ऐसे लोगों के काम ना किए जाएं, सर्कुलर का मतलब। इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन समेत सदर डिवीजन के 13 थानों में तफ्तीशी अफसरान की शदीद किल्लत। अफसरान की कमी के बायस अहम मुकदमात जेरे अल्तवा, साइलिन इंसाफ के मुंतजर। सुंदर के इलाके में 35 साल खातून की हलाकत, घर के दरख्त से लटकी हुई लाश मिल गई। पुलिस ने लाश कब्जे में लेकर मौके से शवाहिद इकट्ठे कर लिए। खातून 4 बच्चों की माँ, जहनी हालत ठीक नहीं, वरासा। थाना गड़ीशाहू की हदूद से भी 35 साल नामालूम शख्स की लाश बरामद। छुट्टी के रोज शहरियों ने तफरी गाहों का रुख किया, पार्कों में मौज मस्तियां। कोई झूलों से लुत्फंदोज हुआ तो कोई मन पसंद खाबों से खुश। छुट्टी का रोज, मौसम भी सुहाना, शहरियों ने प्लान बना लिया गवर्नर हाउस की सैर का। झील, चिड़ियाघर और छोटी छोटी पहाड़ियों से लुत्फंदोज हुए, खूब मौज मस्ती और हल्ला गुल्ला किया। सिक्स रेड स्नोकर वर्ल्ड कप, 3 रुकनी कौमी टीम कतर में होने वाले टूर्नामेंट में हिस्सा लेगी। टूर्नामेंट 12 से 15 जनवरी तक खेला जाएगा। और हायर एजुकेशन कमीशन के जेर एहतमाम ऑल पाकिस्तान इंटर यूनिवर्सिटी फुटबॉल चैंपियनशिप का आगाज। इफ्तिताही मैच में यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब को अब्दुल वली खान यूनिवर्सिटी पर 1 गोल की बरकरी।